यहाँ मेरा एक बड़ा बुनियादी सवाल यह है कि आम आदमी क्या करे, उनके सामने चमत्कार होते हैं, बाबा ऐसे करता है सोने की घड़ी आ जाती है उसको दे देता है, बाबा जेब में हाथ डालता है भभूत निकाल के दे देता है, बाबा कुछ चादर लेके झटकता है इतनी सारी हड्डियां गिर जाती है कि तेरे ऊपर किसी ने जादू करा दिया। ये चमत्कार कैसे हो जाते हैं और इन चमत्कारों के रहते इंसान कैसे बचे? एक एक लाइन में जवाब तीनों हजरात से। मैं सिंपली ये कहूंगा कि ऑफकोर्स कुछ चीजें फेक होती है, कुछ चीजें सिर्फ आंखों का धोखा होती है, साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं जो लोगों को पता नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है और ये फैक्ट है कि एक जिनों की दुनिया है जो हमारी आंखों को नहीं दिखती और जो कई साइंटिफिकली ऐसी चीजें हैं जो साइंस नहीं साबित कर सकता जो वहां पर है मौजूद, लेकिन मालिक एक ही है, कोई अल्लाह के अलावा किसी और के कंट्रोल में कुछ नहीं है। वो एक एक दुनिया है जो उनका भी इम्तिहान और आजमाइश हो रही है और इंसानों को अगर उनकी हकीकत सिर्फ समझ में आ जाए और दायरा जिसमें वो ऑपरेट करते हैं वो समझ में आ जाए तो कोई उनको धोखा नहीं दे पाएगा। ये सब धोखा इसलिए भी होता है क्योंकि लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है कि क्या हो सकता है और इंसानों को ऐसा लगता है बहुत बड़ा चमत्कार हो रहा है, फिर अपना सब कुछ उन्हीं के सपोर्ट कर देते हैं, अपना सब कुछ उन्हीं पर छोड़ देते हैं। साइंटिफिक ट्रिक्स, कुछ निगाहों के धोखे और कुछ जिन्नात के मामला, जैद खालिद भाई ने बताया कि उस वजह से ये चमत्कार वजूद में आते हैं। आई प्लस टीवी, बेहतर जिंदगी के लिए। अपने केबल या डीटीएच ऑपरेटर से आई प्लस टीवी आज ही डिमांड करें। आई प्लस टीवी फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है।